हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक जेल से। इस जेल में खूबसूरत लड़कियों को कैद करके रखा गया है। दरअसल ये पनिशमेंट जेल है। हर लड़की ने कुछ क्राइम किया है। कोई वेश्यावृत्ति का काम करती थी तो कोई हेरोइन पाउडर का इस्तेमाल करती थी, किसी ने अपने बच्चे को मार दिया तो किसी ने कुछ क्राइम किया ही हुआ है। इनके चेकअप के लिए अब एक डॉक्टर को भी रखा गया है। वो रेगुलर इंटरवल पर इन लड़कियों का चेकअप करता रहता है। इसी जेल में आज एंट्री हुई है कोलियर की। कोलियर पर भी इल्ज़ाम है कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया और इस तरह उसे जेल में डाला गया है। यहाँ पहुँचा कर उसे एक सेल में डाला जाता है। इस सेल में उसी की जैसी और भी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। इनमें हैरड है, हेलन है, फरीना है। ये सेल एक डॉर्मेटरी की तरह है। एक के ऊपर एक बेड बने हुए हैं और लड़कियाँ यहाँ पर रहती हैं। यहाँ सभी अपनी अपनी कहानी सुनाती हैं कि वो क्यों इस जेल में है। कोलियर भी अपने बारे में बताना शुरू करती है कि उसकी शादी एक अमीर शख्स फर्नांडो से हुई थी, पर फर्नांडो का उसके घर के नौकर के साथ रिश्ता निकला। वो भी गे था। पर फर्नांडो का उसके घर के नौकर के साथ रिश्ता निकला, वो भी समलैंगिक। कोलियर भी कहाँ रुकने वाली थी, उसने भी उस नौकर के साथ रिश्ता बनाया। फर्नांडो ने कोलियर को अपने घर के नौकर के साथ संभोग करते हुए देख लिया। वो कोलियर पर हावी हुआ। इसके बाद कोलियर ने फर्नांडो की गन निकाली और फर्नांडो को मार दिया और इसके बाद वो अब जेल में पहुंची है। कोलियर को इसके बाद चेकअप के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे निर्वस्त्र होने को कहता है। कोलियर के कपड़े उतारने के बाद उसका चेकअप करता है और फिर कहता है कि कोलियर बिल्कुल ठीक है। यहाँ की हेड स्टाफ है लूसियन। लूसियन आकर डॉक्टर से कोलियर की रिपोर्ट मांगती है। डॉक्टर कहता है कि आज ही वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। कोलियर को जो बेड दिया गया है उसी बेड पर रहने वाली लड़की की मौत हो गई है और इस तरह कोलियर को यह बेड मिला है। आज उस मरी हुई लड़की का क्रीमेशन किया जा रहा है। सारी लड़कियां इस क्रीमेशन को देखती हैं। इसके बाद इन्हें काम पर लगाया जाता है। इनसे यह काफ़ी काम लिया जाता है। सफाई के साथ साथ धान की रुपाई कराई जाती है। कुछ दिनों के बाद इनसे गन्ना भी कटवाया जाता है। यहाँ दो लड़कियाँ आपस में लड़ पड़ती हैं। पहले इनकी लड़ाई गन्ने के खेत में शुरू होती है और इसके बाद ये लड़ते हुए धान के खेत में पहुंच जाती हैं। यहाँ इनमें कीचड़ फाइट होती है। कीचड़ फाइट में हेलन जीत गई है। इस तरह वो सबकी बॉस है। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ये वायर काट कर भाग सकते हैं। इनमें से एक कहती है कि बहुत मुश्किल है, पहले तो वहाँ तक चढ़ना, फिर वायर काटना और फिर भागना, ऐसे में पकड़ी जाएंगी। इस तरह इन्होंने ये प्लानिंग छोड़ दी है। अगली सुबह जब सभी खाना खा रहे हैं तब इनमें से एक खाना दूसरे के ऊपर फेंकती है। इसी क्रम में एक दूसरे पर खाना फेंकना शुरू करते हैं और इसके बाद यहाँ खाना फेंक लड़ाई होती है। सभी लड़कियाँ एक दूसरे पर खाना फेंके जा रही हैं। यहाँ की स्टाफ आकर इन्हें रोकती है पर उसका कोई फायदा नहीं। इतने में यहाँ लूसियन पहुंची है। वो गन से सबको वॉर्न करती है और कहती है कि अगले 24 घंटे तक किसी को खाना नहीं मिलेगा। इस पर भी कोई लड़की नहीं सुनती। इसके बाद यहाँ का स्टाफ पानी से इन सब को पनिश करता है। बाद में हेलन को लूसियन अपने कैबिन में बुलाती है। वो हेलन से पूछती है कि आखिर लड़ाई किसने शुरू की। हेलन कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। इसके बाद लूसियन उसे भेज देती है। इनमें से एक लड़की को सजा के तौर पर दूसरे कैबिन में ले जाया गया है। यहाँ उसे निर्वस्त्र किया जाता है। इसके बाद उसे लिटाकर रस्सी से उसे बांधा जाता है। यहाँ एक शख्स आकर बैठता है, वो उसे देखता है। लूसियन के बार बार पूछने पर कि वो लड़ाई किसने शुरू की जब वो नहीं बताती, तब बाद में लूसियन उस शख्स को उस लड़की पर छोड़ देती है। उसके बाद वो शख्स उस लड़की का यहाँ बलात्कार करता है और फिर वापस उसे उसी सेल में फेंक दिया जाता है। ये यहाँ का अक्सर का रूटीन है। जो भी लड़की कुछ क्राइम करती है या फिर किसी से कुछ सच उगलवाना होता है, उसे उसी रूम में ले जाया जाता है, उसे उसी तरह निर्वस्त्र करके पनिशमेंट दी जाती है और वो शख्स उसका बलात्कार करता है। इस जेल में फ्रेड और हैरी ग्रॉसरी डिलीवर करने का काम करते हैं। उनकी यहाँ के स्टाफ गार्ड से दोस्ती है। वो स्टाफ गार्ड को कुछ ना कुछ देते रहते हैं और इस तरह ये दोनों इस जेल के अंदर घुसकर इन लड़कियों को झांकते हैं। कई बार तो इन लड़कियों पर कमेंट करते हैं। फ्रेड का दोस्त हैरी काफ़ी ठरके किस्म का इंसान है। हेलन इस बात को अच्छी तरह से जानती है। वो हैरी के ठरके बने का बखूबी इस्तेमाल करना जानती है। जब भी हैरी आता है वो हैरी के हाथों को अपने अंगों पर लगाती है। इसके बाद वो अपने प्राइवेट पार्ट्स पर उसे लगाती है। हैरी ये सब करता हुआ काफ़ी उत्तेजित होता है और हेलन उससे मनमाफिक काम निकलवा लेती है। कुछ दिनों के बाद सभी लड़कियों ने यहाँ से भागने की प्लानिंग डिसाइड कर ली है। इनकी प्लानिंग है कि ये पहले लूसियन को मारेंगे और उसके बाद यहाँ से हैरी और फ्रेड की गाड़ी में भाग जाएंगी।
कुछ दिनों के बाद जब हैरी यहाँ खाना डिलीवर करने आता है, तब हेलन उसे अपने पास बुलाती है। पहले की तरह ही वो उसे आकर्षित करती है। वो हैरी के हाथों को अपने स्तन पर लगाती है। इसके बाद वो उसके हाथ को अपने प्राइवेट पार्ट पर ले जाती है। हैरी कहता है कि वो हेलन के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लूसियन बड़ी सख्त किस्म की जेलर है। हेलन उसे फिर से सेड्यूस करती है। मजबूरन हैरी हाँ कर देता है। हेलन उसे वादा करती है कि आज की रात वो उसे संभोग का सुख देगी। इसके बाद हैरी भी खुश हो गया है। वो भी आज रात को आने का वादा करता है। प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ तय हो गया है। हेलन वायर तैयार करने में लगी है जिससे कि ये लूसियन को मारेंगे, पर तभी हैरड यहाँ आ जाती है। यहाँ पता चलता है कि हैरड और हेलन का समलैंगिक रिश्ता है। हैरड अक्सर हेलन के जिस्म का भोग करती है, पर अब हैरड को लगता है कि हेलन उसे प्यार नहीं करती। वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है। पहले तो उसे हेरोइन पाउडर मांगती है, पर हेलन के पास हेरोइन पाउडर नहीं है। इस पर हैरड कहती है कि अब तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम उस कोलियर को पसंद करती हो। गुस्से में हैरड हेलन के गले में स्टैब कर देती है। इस तरह हेलन यहाँ मरने को है। इधर हम कोलियर को देखते हैं जिसे कि पहले की तरह पनिशमेंट दी जा रही है। लूसियन ने उसे निर्वस्त्र करके लिटा दिया है, उसे बांधा गया है। यहाँ वो शख्स भी है जो कि थोड़ी देर में कोलियर का बलात्कार करेगा। यहाँ लूसियन ने कुछ सांपों को भी रखा है जिससे कि वो कोलियर को डराने की कोशिश कर रही है। वो कोलियर से पूछती है कि आखिर इनका एस्केप प्लान क्या है, ये किस तरह से भागने वाले हैं। कोलियर कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। इतने में बाकी की लड़कियाँ दूसरे कमरे के दरवाजे से वायर को इस कमरे में फेंकती हैं। इसके बाद वो हेल्प के लिए लूसियन को बुलाती है। लूसियन दरवाजे पर जाती है। सभी लड़कियाँ लूसियन का गला वायर से दबा देती हैं और उसे मजबूर करती है दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही लूसियन दरवाजा खोलती है, ये लड़कियाँ लूसियन का गन लेकर उसे गन पॉइंट पर लेती हैं। इसके बाद लूसियन को यहाँ बांध दिया गया है और उसे सांप के हवाले कर दिया गया है। कोलियर को लेकर यहाँ से भागती हैं। इधर फ्रेड और हैरी जेल की गार्ड को ड्रिंक पिलाते हैं। जब वो नशे में टल्ली हो जाती है, तब ये सभी जेल के अंदर जाते हैं। वो हेलन के कैबिन में जाते हैं। वहाँ पाते हैं कि हेलन मर चुकी है, जबकि हैरड यहाँ सदमे में बैठी हुई है। और ये फिगर आउट कर लेते हैं कि हैरड ने इसे मारा है। दोनों यहाँ से भागते हैं। भागते हुए लड़कियों के पास पहुँचे हैं। लड़कियाँ जो कि यहाँ से भागने की फिराक में हैं, वो फ्रेड और हैरी को गन पॉइंट पर लेती हैं और उसके व्हीकल में बैठ जाती हैं। जब यहाँ से भाग रही हैं, तब हैरड भी यहाँ से भागने की कोशिश करती है। यहाँ की गार्ड उस पर गन चला देती है। इसके बाद दोनों तरफ से धुआंधार गोली चलाई जाती है। इस फायरिंग में फेरिना जो कि अपने डॉगी को बचाने जाती है, वो भी मारी जाती है। पर किसी तरह ये सभी यहाँ से भाग गई हैं। भागने के बाद ये एक वाटर बॉडी के पास पहुंची है। नदी के पास फ्रेड और हैरी नहाने जाते हैं, जबकि दो लड़कियाँ फ्रेड और हैरी के कपड़ों को पहन लेती हैं। यहाँ मिस डिट्रीस को बांध कर रखा गया है। जैसे ही फ्रेड और हैरी आते हैं, एलकॉट उनसे कहती है कि वो मिस डिट्रीस का बलात्कार करें। फ्रेड और हैरी कहते हैं कि वो इस तरह ओपन में ये सब नहीं कर सकते। एलकॉट उन्हें गन पॉइंट पर लेती है। इसके बाद दोनों बारी बारी से मिस डिट्रीस का बलात्कार करने जाते हैं। थोड़े टाइम में यहाँ पुलिस की टीम आ गई है। यहाँ दोनों तरफ से गोलियाँ चलाई जाती हैं। तभी यहाँ जोर का धमाका होता है। सभी लड़कियाँ मारी जाती हैं, सिवाय कोलियर के। कोलियर भागते हुए सड़क पर पहुँची है। एक शख्स अपनी गाड़ी से आ रहा है। कोलियर उसे लिफ्ट मांगती है और इस तरह वो यहाँ से बचकर भाग निकली है। इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।